नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश का घटनाक्रम 2021 का जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हमने पिछले ईयर में वर्ष 2021 में जितना भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पड़ा है उसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से, एक अकेले वीडियो के माध्यम से आपका जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है वर्ष 2021 का, वह आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले पूरे वर्ष का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है, जो कि आपके आने वाले मध्य प्रदेश की सभी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वह पूरा के पूरा आपका जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। और ये जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स होगा, इसको हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि मंथली आपका रिविज़न होगा। मंथली रिविज़न से यहाँ पर तात्पर्य है कि सबसे पहले जो है जनवरी माह, यानी कि जनवरी 2021 का मध्य प्रदेश का हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और इसी क्रम में जो है दिसंबर तक का हम जो है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। तो इसके इससे जो है आपका एक फायदा यह होगा कि अगर आपने आप जो है किसी विशेष मंथ का ही जो है या किसी विशेष महीने का जो है करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो वह भी आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। साथ ही पूरे महीने, पूरे साल का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वह भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यानी कि जिस महीने के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की आपको जरूरत होगी वह जो है आप इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और वहीं का जो है, यानी कि मान लीजिए अगर आपको जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो जो है वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फरवरी का भी मिल जाएगा। जनवरी से लगाकर दिसंबर तक का पूरा के पूरा जो करंट अफेयर्स है मंथली वाइज आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। और सबसे पहले जो जनवरी 2021 का मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निकल कर आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार जो है आपके दिए जाएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है, मध्य प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को जो है आपके 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। किसकी श्रेणी में दिए जाएंगे और किस नगर निगम को या जो आपके यहाँ पर पंचायत है उनको यहाँ पर दिए गए, तो उनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए 4 पुरस्कार दिए गए। सबसे पहला जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। दूसरा जो है सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ है AHP का जो विशेष पुरस्कार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को दिया है। तीसरा जो पुरस्कार मिला है नगर निगमों की श्रेणी में छिंदवाड़ा और खुरई नगर निगम में जो है इस योजना का उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर जो है यह आपका पुरस्कार दिया गया। और चौथा जो दिया गया वो आपका दिया गया देवास, बैतूल और अलीराजपुर के हितग्राहियों को श्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए। तो 4 श्रेणियों में मध्य प्रदेश को जो है आपके पुरस्कार मिले हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए गए हैं। तो 4 पुरस्कार दिए गए, किन किन श्रेणी में दिए गए वह यहाँ पर आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर बनता है डॉक्टर राजकुमार आचार्य को इसका कुलपति आपका नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र आपका कहां पर शुरू किया गया। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र आपका शुरू किया गया। चूंकि यह जो है मध्य प्रदेश का पहला है, देखिए इस प्रकार के वर्ड आपको जो है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि प्रदेश का पहला या देश का पहला जो कि हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है, अगर इस प्रकार का वर्ड अगर आपको कहीं पर दिखता है तो वह जो क्वेश्चन है या वह जो फैक्ट है हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर शुरू हुआ, सतना में आपका शुरू हुआ। और सतना में भी कहाँ पर, तो सतना के रतुना में जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया। और इसका शुभारंभ कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2020 में 30 दिसंबर को जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया था। और किसने शुभारंभ किया, तो केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ आपका किया गया था। वही जो है 28 जुलाई 2014
मृदा को गायों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत पूरे भारत में होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में इसके तहत, इस मिशन के तहत जो है प्रदेश का पहला पशु प्रजनन केंद्र सतना के रतुना में आपका खुला जो है इसका जो है आपका शुरू किया गया प्रशिक्षण केंद्र आपका यहाँ पर शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन बनेगा कब से शुरू हुआ, 30 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ। किसने शुरू किया, केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने इसको शुरू किया था। वहीं चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत आपकी कब से होती है, तो 28 जुलाई 2014 से इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान महामारी में नवाचार योजना को लागू किया, तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश है। इस प्रकार यानी कि महामारी में नवाचार योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका बन गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रदेश में किसने महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकने और उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनजर सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया, तो इसका जो क्रियान्वयन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा किया गया, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा, तो 6 शहरों में, 6 शहर कौन से, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और छतरपुर में जो है इसको आपका चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है किस नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश नाम से जन अभियान आपका संचालित किया जाएगा, तो राइट आंसर बनता है खंडवा में। तो जो खंडवा नगर निगम है उसके द्वारा खंडवा नगर निगम के द्वारा अपने नगर निगम क्षेत्र में जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश नाम से जो अभियान है वह आपका संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंदौर में निर्मित होने वाले महत्वाकांक्षी लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो शिलान्यास है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। वहीं जो है इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर आपका इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश का एकमात्र किस शहर का आपका चयन हुआ है, तो उस शहर का नाम है आपका इंदौर, इंदौर का जो है इसके अंतर्गत आपका चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा, तो राइट आंसर बनता है इसका जो आयोजन है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आपका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे बड़े ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से किस वर्ष तक बिजली मिलने लगेगी, यानी कि सौर ऊर्जा जो है उससे आपके मिलने लगेगी, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसी आशा है कि 2022-23 तक इससे जो है हमें बिजली मिलने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के महानिदेशक किसे बने या किसे बनाया गया है, तो BR नायडू इसके महानिदेशक बने हैं। वही अगर आपसे पूछा जाए कि जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है विभास उपाध्याय, इनको उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है फेमिना मिस MP 2020 कौन है, तो उनका नाम है रुद्रप्रिया यादव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वह है कि मध्य प्रदेश में कब से कब तक मे बी डिजिटल अभियान जो है आपका चलाया जा रहा है, तो राइट आंसर बनता है 4 से 22 जनवरी तक मध्य प्रदेश में मे बी डिजिटल अभियान आपका चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है किस मेडिकल कॉलेज में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना की जाएगी, तो सागर मेडिकल कॉलेज में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है इंदौर में पिपलियाना क्षेत्र में नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर किया गया, तो राइट आंसर बनता है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है इसका नाम आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया, तो इसका जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर में आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला शहर जो ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से गंदे पानी को शुद्ध कर किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराएगा, तो राइट आंसर बनता है इंदौर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का स्मार्ट मीटर वाला तीसरा शहर आपका कौन सा बना है, तो यह जो है आपका उज्जैन बना है। इसके पहले 2 शहर कौन से बन चुके हैं, इंदौर और रतलाम, और हमारा जो उज्जैन है वह आपका तीसरा शहर बना है स्मार्ट मीटर लगाने वाला। अगला क्वेश्चन है देश का पहला राज्य जहां किसी शासकीय विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं, संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ऑन डिमांड रेडियो ऐप तैयार किया गया, तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा करेली गुड़ मेला 2021 का आयोजन है कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है भोपाल में किया गया था। किसके द्वारा? तो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के द्वारा इसका आयोजन आपका किया गया। कब से कब तक किया गया था? 8 से 10 जनवरी 2021 तक इसका आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राइट आंसर बनता है चेतन सिंह सोलंकी को मध्य प्रदेश के सोनल एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कब प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान जिसका नाम है सम्मान उसका शुभारंभ करेंगे? तो 11 जनवरी को इसका जो है शुभारंभ आपका कर चुके हैं। कहां से इसका शुभारंभ किया? भोपाल के मिंटो हॉल से इसका शुभारंभ किया गया। अभियान के दो मुख्य नारे थे आपके, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से असली हीरो, और इस अभियान का जो शुभंकर था वो आपका गुड्डी था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का प्रदूषण मापने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन आपके लगाए जाएंगे? राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के 9 जिलों में आपके लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ होगा? तो 16 जनवरी 2021 को इसको मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। और मध्य प्रदेश के किस शहर से किस जिले से इसकी शुरुआत हुई थी? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से जो है यह आपका शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत कब से की गई थी? तो 11 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक यह अभियान जो है आपका चलाया गया था। इस अभियान के तहत 5 वर्ष से छोटे उम्र वाले बच्चों वाले परिवारों में उनके घर तथा स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं आपकी पहुंचाई गई थी, और कुपोषण को समाप्त करने हेतु दस्तक अभियान की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश बना है। यह जो फैक्ट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि कुपोषण को समाप्त करने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके फैक्ट से भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए राइट आंसर बनता है डॉक्टर कुंवर बेचन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2019 का जो कवि प्रदीप सम्मान है उसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप तो 2021 का जो है करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 का किसे दिया गया? डॉक्टर कुंवर बेचन को दिया गया था, और जनवरी 2021 में जो है इनका आपका निधन हो गया, इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनका संबंध तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको 2019 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिया गया, इसलिए इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और यह क्या थे? तो यह जो है आपके एक कवि थे, और इनको जो है डॉक्टर कुंवर बेचन है इनको जो है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 आपका दिया गया, और जनवरी 2021 में इनका आपका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाने वाला चौथा शहर आपका बना है, तो कौन सा बना है? वह आपका महू बना है। पहले की बात करें पहला आपका इंदौर है, दूसरा रतलाम है, तीसरा जो है आपका उज्जैन है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के, तो श्री प्रद्युमन सिंह तोमर वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खास संगीत एवं कला अकादमी में इसका जो है आपका आयोजन किया गया था, और यह आपकी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है यह अकादमी आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कितने जिलों को सम्मानित किया गया? तो राज्य स्तर पर 5 जिले आपके सम्मानित हुए, कौन कौन सा है? पहला है आपका ग्वालियर, दूसरा है होशंगाबाद, तीसरा है रतलाम, चौथा है छतरपुर, और पांचवा है आपका सिवनी। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत के पहले एलएनजी स्टेशन का किस औद्योगिक क्षेत्र में शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर बनता है बगरोदा, और बगरोदा कहाँ पर आता है? तो भोपाल जिले के अंतर्गत जो है आपका बगरोदा आता है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू करने और उन्हें पूर्ण करने के मामले में किस जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर बनता है सागर जिले ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो यह जो है आपके भोपाल जिले में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले से पीएम मोदी ने केवड़िया यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एक ट्रेन का शुभारंभ किया? तो रीवा से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक ट्रेन का शुभारंभ किया गया, तो यह भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थित है वेदशाला में नक्षत्र वाटिका बनाई गई है जिसमें सूर्य व 8 ग्रहों के मॉडल बनाए हैं। तो राइट आंसर बनता है उज्जैन में इस प्रकार की नक्षत्र वाटिका जो है आपकी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा किस शहर में या भारत के किस शहर में मृग नयनी शोरूम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो राइट आंसर बनता है जो मृग नयनी शोरूम है भारत के 2 शहरों में प्रारंभ करने का निर्णय आपका लिया गया, उनके नाम है पहला है आपका नागपुर और दूसरा है आपका प्रयागराज जिसका कि पुराना नाम आपका इलाहाबाद हुआ करता था, इसका नाम परिवर्तित करके आपका प्रयागराज कर दिया गया। कहाँ पर स्थित है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागपुर की बात करें कि यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी आगामी ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। तो राइट आंसर है मनीषा कीर और नीरू डांडा, यह दोनों जो है आगामी ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का जो है आपका प्रतिनिधित्व करेगी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पंख अभियान का शुभारंभ कब करेंगे। तो इनके द्वारा 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश में जो है आपका पंख अभियान का इनके द्वारा शुभारंभ किया गया था और यह जो है बेटी बचाओ बेटी योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ आपका किया गया। और जो पंख का यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिएशन नॉलेज और हेल्थ जो है आपका पंख का यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। तो हो सकता है एग्जाम में जो है इसकी डेट ना पूछ के आपका पंख का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए, तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो इसमें हमारा जो मध्य प्रदेश के 13वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पंख अभियान, यह जो आपकी स्लाइड है यह आपकी यहाँ पर रिपीट हो गई है। अगला है कि 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा। तो राइट आंसर बनता है भोपाल के टीटी नगर में यह चैंपियनशिप आपकी आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गायब लड़कियों का पता करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान आपका शुरू किया गया। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सीमन स्टेशन का लोकार्पण किया गया। तो दतिया में जो है इसका आपका लोकार्पण किया गया और ध्यान रखिएगा यह जो है प्रदेश का दूसरा सीमन स्टेशन है और इसका लोकार्पण हुआ प्रदेश में उच्च नस्ल के दुधारू पशु बढ़ाकर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास जो है आपके यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसीलिए जो है आपका मध्य प्रदेश का दूसरा सीमन स्टेशन आपका कहाँ पर बनाया गया या कहाँ पर लोकार्पण हुआ, दतिया जिले में हुआ। यहाँ पर अब क्वेश्चन बनता है कि सर जो पहला स्टेशन है कहां पर स्थित है, यह जो है आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए किसे पद्मश्री अवार्ड के लिए आपका चुना गया। तो राइट आंसर बनता है भूरी बाई को, इनका संबंध जो है आपका झाबुआ जिले से है। वहीं अगर यहाँ पर हम बात करें कपिल तिवारी, इन दोनों का चयन आपका हुआ है और कपिल तिवारी जी का जो संबंध है आपका सागर जिले से है। तो इन दोनों को वर्ष 2020 का जो पद्मश्री अवार्ड है उसके लिए चुना गया है और इन दोनों का संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहाँ संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी है। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश है इस प्रकार की यानी कि ई टिकटिंग व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किसे मिला है। राइट आंसर बनता है अनुज जैन जिनका संबंध हरदा से तथा पलक शर्मा जिनका संबंध आपका इंदौर जिले से, इन दोनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 जो है आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह लोक रंग का शुभारंभ कब करेंगे। तो इसका जो शुभारंभ है भोपाल में आपका किया गया था और कौन से नंबर का था आपका 36वें नंबर का राष्ट्रीय समारोह जिसका नाम था आपका लोक रंग समारोह। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल में 29 जनवरी 2021 को यह समारोह आपका संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला सरकारी ओल्ड एज होम कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका किया जा रहा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली विद्युत कंपनी बन गई है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस बोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो राइट आंसर बनता है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है आपकी देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस बोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किस जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजिरा खान कोविड वुमेन वॉरियर सम्मान से नवाजा गया है? तो यह जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जिनका नाम है नाजिरा खान, इनको कोविड वुमेन वॉरियर सम्मान से नवाजा गया है और इनका संबंध जो है आपका शोपुर जिले से है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का 29वां स्थापना दिवस था उस दिवस के अवसर पर जो है इन्हें कोविड वुमेन वॉरियर अवार्ड 2021 है उससे जो है इनको आपका नवाजा गया है। इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर जनवरी का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था वह कंप्लीट होता है। चलिए फरवरी का जितना भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमारा बनता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? राइट आंसर बनता है सतना। और सतना में भी कहाँ पर? तो सतना जिले का जो रामनगर है वहां पर बघेली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है किस संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए दीन बंधु अभियान शुरू किया गया? तो राइट आंसर बनता है इंदौर संभाग के द्वारा। इंदौर संभाग में इस प्रकार का जो अभियान है जिसका नाम था दीन बंधु अभियान आपका शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है साहित्य महोत्सव 19 से 21 मार्च तक किस जिले में होगा या किस जिले में इसका आयोजन किया गया था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में इसका आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किस शहर में स्थित मार्ग का नाम बुलवर्ड स्ट्रीट से अटल पथ करने की घोषणा की है? तो भोपाल में स्थित जो प्लेटिनम प्लाजा से लेकर जनेश्वर मंदिर तक जो बना मार्ग है उसका नाम बदलकर जो है आपका अटल पथ करने की घोषणा की है। और हाल ही में हम पढ़ चुके हैं कि जो पिपला हना जो कि आपका इंदौर में स्थित है वहाँ का जो फ्लाई ओवर है उसका नाम बदलकर भी अटल बिहारी वाजपेयी करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आपके कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी मनीषा किर ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर बनता है कांस्य पदक इनके द्वारा इस प्रतियोगिता में जीता गया है। और ये जो प्रतियोगिता थी चैंपियनशिप थी आपके कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो कुवैत में जो है इसका आयोजन आपका किया गया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के आयोजन की मेजबानी कौन सा विद्यालय करेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनता है विक्रम विश्वविद्यालय जो कि आपका उज्जैन में स्थित है उसके द्वारा 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का जो आयोजन है उसकी मेजबानी जो है इसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में यह जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया, पूरी की पूरी स्लाइड यहाँ पर रिपीट हो गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं हाल ही में एनसीसी के बेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बनता है योगेश चतुर्वेदी को इससे आपका सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी को बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए सांस अभियान का जो है आपका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा इसका शुभारंभ आपका किया गया था। और इन्होंने इसलिए शुभारंभ किया क्योंकि वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो उनका नाम है आपका डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और सांस जो अभियान है इसका फुल फॉर्म आपका बनता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्री निमोनिया सक्सेसफुली, यह जो है आपका यहाँ पर सांस का फुल फॉर्म बनता है। प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए भोपाल के मिंटो हॉल से 5 फरवरी 2021 को इस अभियान की जो है आपकी शुरुआत की गई थी। तो इसका फुल फॉर्म हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है देश के दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो राइट आंसर बनता है इस प्रकार की जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपकी शुरू की गई, इसके अंतर्गत प्रदेश के मेडिकल डेंटल नर्सिंग और पैरामेडिकल के 18 से 35 वर्ष के चिकित्सा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर योजना में छात्रों को 2 लाख का मेडिकल बीमा मेडिकल कवर भी जो है आपका यहाँ पर दिया जाएगा। व्यक्तिगत दुर्घटना के अंतर्गत स्थायी डिसेबिलिटी और मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम आपका इसके अंतर्गत दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला कब से शुरू होगा? तो हुआ था तो राइट आंसर बनता है 15 फरवरी 2021 को जो है यह ग्वालियर में आपका आयोजित किया गया था। लेकिन क्वेश्चन इससे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि जो ग्वालियर का ऐतिहासिक व्यापार मेला है इसकी शुरुआत आपकी कब से होती है? तो वर्ष 1905 से इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो माधवराव सिंधिया जो कि सिंधिया वंश के आपके एक प्रमुख शासक हुए हैं उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत आपकी की गई थी वर्ष 1905 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर बनता है इसका नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग आपका करने का निर्णय लिया है। यानी कि जो मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम से पहले जो विभाग जाना जाता था, अब वह जो विभाग है जनजातीय कार्य विभाग के नाम से आपका जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन किस जिले में शुरू होगा? तो राइट आंसर बनता है इंदौर में जो है आपका शुरू होगा। और सावेर ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले धरातल पर यह योजना आपकी मूर्त रूप ले रही है। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर ऐप अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह जो है हमारा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में ड्राइव इन म्यूजिक का अपनी तरह का पहला इवेंट है ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर बनता है भोपाल में इसका आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहाँ महिलाओं के लिए बने प्रदेश के पहले सी कुंज स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण किया? तो पलासिया चौराहा इंदौर पर जो है इसका लोकार्पण आपका किया गया। किसने किया? तो जो मध्य प्रदेश के पर्यटन अध्यात्म मंत्री है जिनका नाम है उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा जो है प्रदेश के पहले सी कुंज स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण इंदौर में आपका किया गया और ये जो शौचालय है आपका महिलाओं के लिए बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले डायग्नोस्टिक लैब जिसमें दुधारू पशुओं की इन्फर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा किस शहर में बनाई जाएगी? तो यह जो है आपकी जबलपुर में बनाई जाएगी। जबलपुर इसका राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया? तो राइट आंसर बनता है धार में जो है यह आपका खोला गया। साथ ही नवनिर्मित डायनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम का जो है शुभारंभ भी आपका इस जिले में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डकैतों पर म्यूजियम बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है भिंड जिले में जो है आपका डाकू म्यूजियम या डकैतों पर जो है आपका म्यूजियम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है? तो राइट आंसर आपका बनता है भिंड बेट का, यहाँ पर सबसे पुराने जानवर का जो है जीवाश्म आपका खोजा गया है और उस जानवर का नाम है डिकिन्सोनिया। यह नाम अच्छे से याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि सबसे पुराने उस जानवर का नाम बताइए जिसका हाल ही में सबसे पुराना जीवाश्म भीमबेट का छतरपुर से जो है आपका खोजा गया है। तो यहां से भी भीमबेट का राइसेंस जो है आपका खोजा गया है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसका नाम है डिकिन्सोनिया, यह जो है दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म है, कहां पर मिला? भीमबेट का में हमें मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको आरिफ बेग शांति पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया? राइट आंसर बनता है शिवराज सिंह जी चौहान को हाल ही में आरिफ बेग शांति पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश है देश का पहला राज्य है जहाँ की गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल ये दोनों जो है अपना नॉलेज यहाँ पर शेयर करेंगे और इस प्रकार नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है मेडिकल कॉलेजों में? तो वह बना है हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लोगों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और उसे रिसाइकल करने के लिए किस नगर निगम में प्लास्टिक राक्षस आपका बनाया गया? तो राइट आंसर बनता है यह जो है आपका इंदौर जिले में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस स्थान को चाइल्ड फ्रेंडली नगर आपका बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है सांची को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए एक नया लोगो जो है आपका बनाया गया है जिसमें कि आपके तीन रंग है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें जो आपका लाल रंग है किसको दर्शाता है? तो लाल रंग जो है आपका ऊर्जा को दर्शाता है, नीला रंग जो है आपका जिम्मेदारी को दर्शाता है और हरा रंग यहाँ पर आपका सुरक्षा को दर्शाता है। तो लाल रंग की यहाँ पर बात करें आपका ऊर्जा को दर्शाता है, नीला रंग जिम्मेदारी को और हरा रंग आपकी यहाँ पर सुरक्षा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में 26 फरवरी 2021 तक आयोजित खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का कौन सा संस्करण है? तो पहला क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन कहां किया गया? खजुराहो में खजुराहो किस जिले के अंतर्गत आता है? छतरपुर के अंतर्गत आपका आता है। कब से कब तक आयोजित हुआ? 20 से 26 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन किया गया। कौन से नंबर का आपका संस्करण था? 47वें नंबर का संस्करण था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसकी शुरुआत कब से होती है? तो वर्ष 1975 से प्रतिवर्ष खजुराहो में जो है आपका खजुराहो नृत्य समारोह मनाया जाता है और इस बार यानी कि वर्ष 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो है आपके वर्ष 2021 में इसकी थीम रखी गई थी।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, ये जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, पूरी की पूरी स्लाइड रिपीट हो गई है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसलिंग रिपोर्ट में ग्राहक का संतुष्टि के मामले में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो राइट आंसर बनता है इसको जो है आपका यहाँ पर 18वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में 16 मार्च 2021 तक चरखा खादी मेला 2021 आपका आयोजित किया जाएगा, तो राइट आंसर बनता है भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में चरखा खादी मेला 2021 आपका आयोजन किया गया था, 16 मार्च से जो है यह आपका आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर के हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, राइट आंसर बनता है इंदौर में जो है इंदौर के जो आपके हर्ष चौहान जी है इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि जो नेशनल एसटी कमीशन है उसका जो है आपका इनको प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें कि पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका कब गठित हुआ था या इसको कब गठन किया गया था, तो 19 फरवरी 2004 को जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका गठन आपका किया जाता है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कुंवर सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान, जिनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। तो यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतर्राज्यीय दंगल का शुभारंभ किया, तो यह इसका शुभारंभ दतिया जिले में आपका किया गया। अगला क्वेश्चन है मुख्य जो कृषि मंत्री है कमल पटेल जी, इन्होंने किस जिले के बावरी घाट का नाम बदलकर बलरामपुर घाट करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर बनता है होशंगाबाद जिले में स्थित जो बावरी घाट है इसका नाम इन्होंने बोला है कि इसका नाम बदलकर बलराम घाट आपका कर दिया जाएगा। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका कमल पटेल। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, या अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है गिरीश गौतम, कौन से नंबर के हैं आपके 18वें अध्यक्ष है और रीवा के देव तालाब से यह जो है आपके बिलोंग करते हैं, इनका जो है नाम है गिरीश गौतम। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष जिनका नाम है गिरीश गौतम कहाँ से बिलोंग करते हैं, रीवा के देव तालाब से आपके बिलोंग करते हैं, कौन से नंबर के अध्यक्ष है, 18वें नंबर के आपके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष तीन जो अभियान है उसका शुभारंभ किया, तो इसका जो शुभारंभ है भोपाल में आपका किया गया था, इस अभियान का नाम है इंद्रधनुष तीन अभियान और यह जो है आपका 7 जिलों में चलाया गया था मध्य प्रदेश के, उनके नाम है भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर और खरगोन में जो है ये आपका संचालित किया गया था। तो मध्य प्रदेश के 7 जिलों में इंद्रधनुष थ्री अभियान जो है आपका इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में मेगा फर्नीचर खिलौना क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर आपका स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है आपका इंदौर में आपका किया जाएगा। और हाल ही में हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के इंदौर के बेटवा में एशिया का सबसे बड़ा जो फर्नीचर क्लस्टर है वह आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने नवजात शिशु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए किसके साथ एक एमओयू यानी कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, आईएपी के साथ यहाँ पर एक एमओयू साइन किया गया है, एक समझौता आपका यहाँ पर हुआ है और आईएपी का फुल फॉर्म बनता है इंडियन एकेडमी और पीडियोट्रिक, इंडियन एकेडमी और पीडियोट्रिक जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है 14वें इंडिया एनर्जी समिट में मध्य प्रदेश की किस विद्युत कंपनी को इनोवेशन विद इंपैक्ट अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर बनता है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को जो है इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। देश में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का अवार्ड मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को बना, चूंकि यह जो है हमारे मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई करती है इसलिए इस कंपनी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह था आपका जो फरवरी माह का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था वह भी हमने यहाँ तक यानी कि अभी तक हमने कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा ताकि सभी लोग जो है इस वीडियो का जो है आपका फायदा उठा सके और आने वाली एग्जाम में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से अपना कवर कर सके। तो चलिए मार्च 2021 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में पहली बार किस सवारी गाड़ी को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सम्मान आपका मिला है? राइट आंसर बताता है शान ए भोपाल, हबीबगंज, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को जो है आपका इसके अंतर्गत जो है, यह जो आपकी पहली रेलगाड़ी है कि सवारी गाड़ी है जिसको कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सम्मान जो है आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 10वीं मध्य प्रदेश स्टेट शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो भोपाल के सुमन बुखारी के द्वारा इसमें जो है आपका कांस्य पदक जीता गया। और यह प्रतियोगिता चैंपियनशिप आपकी कहां पर आयोजित हुई थी? इंदौर के महू में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डायमंड म्यूजियम आपका बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा पन्ना में। देखिए अगर आपसे पूछा जाए डायमंड म्यूजियम तो पन्ना में बन रहा है, और हाल ही में हमने डिस्कस किया कि जो डाकू म्यूजियम है आपका कहां पर बन रहा है, तो यह जो है भिंड जिले में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज सिंह जी चौहान ने खंडवा के मेडिकल कॉलेज और बुरहानपुर के जिला अस्पताल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बनता है इनका नाम जो है नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा, जो कि आपके खंडवा से सांसद थे और इनका जो है निधन हो गया। इनके निधन होने के बाद ही जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे वह आपके यहाँ पर खंडवा जिले में भी जो है आपके हुए थे। तो जो खंडवा का मेडिकल कॉलेज है और बुरहानपुर का जो जिला अस्पताल है उसका नाम बदलकर नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर करने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मार्च 2021 में आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 4 मार्च को नाइट सफारी का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? तो वन विभाग के द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 4 मार्च को नाइट सफारी जो है आपकी शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि जो ये नाइट सफारी का जो लोकार्पण है, शुभारंभ है, यह किसके द्वारा किया गया? तो कुंवर विजय शाह जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री है उसके द्वारा जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया। प्रदेश के 4 नेशनल पार्क में आपके बफर में सफर और नाइट सफारी की जो सुविधा है आपकी प्रारंभ की गई। इनमें इन नेशनल पार्क के नाम है आपका कान्हा नेशनल पार्क जो कि आपका मंडला में स्थित है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि आपका उमरिया में स्थित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका होशंगाबाद में स्थित है। इन 4 नेशनल पार्क में जो है आपके बफर में सफारी और नाइट सफारी जो है आपके यहाँ पर शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना में देश के 111 शहरों के इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है टॉप 10 की सूची में आपका शामिल हुआ है? तो यह जो है इंदौर शहर इसमें शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं वह है कि स्मार्ट सिटी योजना में, यह जो आपका क्वेश्चन सी है, यह लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश को जो है इस अभियान के तहत आपका टीबी मुक्त बनाया जाएगा। वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत मध्य प्रदेश में टीबी हारेगा टीबी जीतेगा जन आंदोलन के रूप में जो है आपका चलाया गया था। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा जो अभियान है मध्य प्रदेश में आपका शुरू होता है, किसने इसकी शुरुआत की थी? तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा इसकी शुरुआत या इसका जो आरंभ है, इसका जो शुभारंभ है वह आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है एनसीईआर के भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2022-21 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो रिपोर्ट है आपकी जो कि भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक से संबंधित है, इसमें जो है मध्य प्रदेश को आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज और कवर स्टोरी के लिए आशीष मिश्रा को आपका चयनित किया गया है था। तो क्वेश्चन है कि इंडिया का इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। तो जो फोर्ब्स इंडिया है उसके द्वारा मार्च 2021 के लिए जो उस मैगजीन का कवर पेज होता है और कवर स्टोरी के लिए आशीष मिश्रा को आपका चयन किया गया, और इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है, क्योंकि फोर्ब्स इंडिया की जो मैगजीन है उसके कवर पेज पे इनकी स्टोरी और इनका जो है आपका वहां पर फोटो आया था, कवर पेज के लिए इनका चयन आपका किया गया, इसलिए इनका नाम जो है हमारे लिए यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरीदाबाद कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी रूबिना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर बनता है इनके द्वारा जो है यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र किस जिले में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है यह जो है आपका जबलपुर जिले में बनाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा जिला कौन सा बना है? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश में आशीर्वाद योजना लागू करने वाला प्रदेश का दूसरा जिला आपका बना है। अगला क्वेश्चन है, 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो किस जिले में बनाया जाएगा या बनाया गया था? तो यह आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अपना इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने वाले देश में पहले स्मार्ट सिटी कौन सी होगी? तो यह जो है आपका इंदौर है। इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो युवा यानी कि जो फ्रेशर आपके कॉलेज पास आउट होते हैं या कुछ ऐसे लोग जो कि आपके उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है सही यहाँ पर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, सही मार्गदर्शक जो है उनको यहाँ पर नहीं मिल पाता है, तो उन्हीं के लिए इंदौर में जो है आपका इंक्यूबेशन सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा, जहां पर उनको सिखाया जाएगा कि वह जो है कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए या उसको स्टार्ट से लेकर उसको ग्रो अप करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन चीजों का आपका ध्यान रखना पड़ता है और किस प्रकार से उसको ग्रो हम कर सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए और इन सभी बातों को सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल रूप से सिखाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है आपका इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और इस प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाली देश की पहले स्मार्ट सिटी आपकी कौन सी है? तो वह हमारा इंदौर स्मार्ट सिटी है। चलिए देखते हैं यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो हुनर हाट का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो राइट आंसर बनता है सारिका घारू के द्वारा। इसको जो है सारिका घारू को राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और इनका संबंध किस जिले से है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से आपके संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है, ISSF द्वारा काइरो इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की बेटी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर बनता है इनके द्वारा यहां पर आपका रजत पदक जीता गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है भोपाल। और भोपाल में कहां पर? तो जो गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर जो है आपका बनाया जाएगा। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जहां पर भी मध्य प्रदेश का पहला आई या देश का पहला मध्य प्रदेश में इस प्रकार का वर्ड आता है तो वह क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश का इस प्रकार का यह जो है आपका पहला क्लस्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करेंगे। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के 52वें जिले निवाड़ी से जो है आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISSF द्वारा काइरो इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की बेटी मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा यहाँ पर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता गया। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? रीवा अल्ट्रा मेगल सोलर परियोजना जो कि रीवा की गुड़ तहसील में आपकी स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। और इसी के तहत पहली बार ग्रीन एनर्जी फंड जो है मध्य प्रदेश को आपका दिया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि पहली बार ग्रीन एनर्जी फंड प्राप्त करने वाला मध्य देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। पहली बार ग्रीन एनर्जी फंड प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश देश में अग्रणी निम्नलिखित में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि गेहूं खरीदी में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में पहले स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रथम स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण में सबसे आगे कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य इन सभी मामलों में, इन सभी के क्रियान्वयन में पहला स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा कम खर्च और बगैर साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की नई दवा एस्परोजिनस जिसका नाम है एम स्पायर का आविष्कार जो है किया गया? IIT इंदौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के द्वारा इस प्रकार के ब्लड कैंसर की नई दवा जिसका खर्च बहुत कम होगा यानी कि उसको बनाने में बहुत कम खर्चा आएगा और उसको लेने से कोई भी साइड इफेक्ट आपका नहीं होगा, इस प्रकार की जो दवा है किसके
के द्वारा तैयार की गई है, आईआईटी इंदौर के द्वारा तैयार की गई है, उस कैंसर की जो दवा है, ब्लड कैंसर की दवा है, उसका नाम क्या है? स्पिरोजिनस है। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में किस नगर पालिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर बनता है अलीराजपुर नगर पालिका को जो है इसमें आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आईएसएफ द्वारा कायरो इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश की बेटी मनीषा किर ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर बनता है इनके द्वारा रजत पदक, सिल्वर मेडल जो है आपका यहाँ पर जीता गया है। चलिए आप जो है यहाँ पर अप्रैल माह का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर अप्रैल माह का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवांश जैन ने प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का तरीका निकाला है? यानी कि कीड़ा जो है कहीं ना कहीं प्लास्टिक को खत्म करेगा, किस प्रकार से करेगा? या तो प्लास्टिक को खा जाएगा या इस प्रकार से उसके अंदर से कुछ निकलेगा जिसके कारण प्लास्टिक जो है आपकी डिकम्पोज हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो होती है अभी डिकम्पोज नहीं होती है, तो इस प्रकार का उन्होंने एक तरीका निकाला है कि जो कीड़ों के माध्यम से जो है आपकी प्लास्टिक को जो है खत्म किया जा सकेगा। तो इस प्रकार जो है ये आपका अनूठा तरीका है और इनका नाम है प्रोफेसर देवांश जैन। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये जो है आपके आरजीपीवी यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से आपके बिलोंग करते हैं। तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवांश जैन ने प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का एक अनोखा तरीका जो है या जिसको आप एक अनूठा तरीका बोल सकते हैं वह जो है इन्होंने यहाँ पर नवाचार के तौर पर निकाला है। अगला क्वेश्चन है, IRAD यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के 41 जिलों में इनका क्रियान्वयन आपका किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश एवं प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर बनता है आपका हरदा जिला प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर जो है आपका रहा है, पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है, इसलिए यह जो है हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 कब से कब तक चलाया गया था? तो 24 अप्रैल से 9 मई तक जो है मध्य प्रदेश में आपका किल कोरोना 2 अभियान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस जिले में बनाया गया? तो राइट आंसर बनता है इंदौर जिले में आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें जो है आपका 2019 का जो इंडेक्स आया था उसमें जो है आपका यह चौथे स्थान पर है, चौथी रैंक इसको आपकी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे राजमार्ग मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है आपका न्यूज में भी रहा है, तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे है मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगा, उनके नाम आपके श्योपुर, भिंड और मुरैना। श्योपुर, भिंड और मुरैना जो है आपके यहाँ पर नाम है और इन 3 जिलों से होकर यह जो है आपका गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क आपका विकसित किया गया? तो पीथमपुर जो कि आपका धार के अंतर्गत आता है यहाँ पर लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्क जो है आपका विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत सरकार द्वारा बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी गई? तो राइट आंसर बनता है मोहासा, यह कहां पर है? बाबई, और बाबई किस जिले के अंतर्गत आता है? होशंगाबाद में। तो हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की स्वीकृति होशंगाबाद जिले में आपकी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करे नारा दिया है? तो सिराज सिंह जी चौहान के द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत इस प्रकार का जो नारा है आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास मैं तेरी कोसी के लेखक कौन है? राइट आंसर बनता है प्रवीण दुबे जी, इसके जो है आपके लेखक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सिराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले के मिशन अर्थ के अंतर्गत अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला का लोकार्पण किया? तो भोपाल में जो है इसका लोकार्पण आपका किया गया। देखिए हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सीमन प्रयोगशाला है या जो आपकी सीमन प्रयोगशाला है वह आपकी दूसरी कहाँ पर है इसका लोकार्पण किया गया था? तो जो दूसरी है उसका लोकार्पण आपका दतिया जिले में किया गया था और पहली आपके कहाँ पर स्थित है? तो वह जो है आपकी भोपाल में स्थित है। तो पहली सीमन प्रयोगशाला भोपाल में, दूसरे का जो उद्घाटन है दतिया जिले में किसने किया था? नरोत्तम मिश्रा जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री है उनके द्वारा इसका शुभारंभ आपका किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में चित्र भारतीय फिल्म उत्सव 2022 का आयोजन है कब से कब तक किया जाएगा? तो इस वर्ष यानी कि 28 से 22 फरवरी 2022 तक है मध्य प्रदेश के भोपाल में चित्र भारतीय फिल्म उत्सव 2020 का आयोजन आपका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस योजना को मध्य प्रदेश राज्य शासन के द्वारा 1 अप्रैल से 31 मई तक फिर से आपका लागू किया गया था? इसका नाम था मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना, जो कि आपके बेसिकली जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके लिए यह योजना जो है आपके लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का प्रबंध संचालक आपका बनाया गया? तो राइट आंसर बनता है विशेष गढ़पाले को, इसका जो है आपका प्रबंध संचालक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश का पहला टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल आपका बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक एवं न्यूट्रोस्टिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका शुभारंभ जो है पीथमपुर में इनके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है 11 से 14 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में आपका टीका उत्सव मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया? तो इस प्रकार की जो अनिवार्यता आपकी की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव आपका भेजा है? पंचमढ़ी को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। पंचमढ़ी आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आपकी स्थित है। सतपुड़ा की रानी भी आपका पंचमढ़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायमूर्ति का निधन हो गया है? इनका नाम है गुलाब गुप्ता और इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से था। तो देखिए यहां पर हमारे लिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के पहले हिंदी में याचिका स्वीकार करने वाले हाई कोर्ट के जस्टिस कौन थे? तो उनका नाम है गुलाब गुप्ता। चूंकि इनका हाल ही में निधन हो गया, समाचार में रहे थे, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2021 को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से आपका शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया? तो 23 शिक्षकों को जो है आपका सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? संजय कुमार जैन को 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वह मिला। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से है। वहीं मोहम्मद साहिद अंसारी, इनकी बात करें तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आपका है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 यानी कि जो नेशनल लेवल का टीचर्स पुरस्कार आपका था वह किसे यहाँ पर दिया गया? संजय कुमार जैन है टीकमगढ़, और मोहम्मद साहिद अंसारी छिंदवाड़ा, इनको जो है आपका दिया गया। वहीं अगर यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश के किस शिक्षक को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार एवं वर्ष 2020 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि दोनों पुरस्कार से, नेशनल लेवल का और जो स्टेट लेवल का आपका पुरस्कार था, यह दोनों इनको दिया गया। इनका नाम है ललित मेहता और इनका संबंध किस जिले से था? तो इन दोनों का, इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके जरूर रखिएगा और अगर आपको याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में जरूर 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 आपको दिखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर बनता है बैतूल जिले को। हाल ही में हमने न्यूज पढ़ी थी, क्वेश्चन देखा था कि प्रभु राम चौधरी जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा आपका जो है टीबी मुक्त है, टीबी हारेगा मध्य प्रदेश जीतेगा अभियान शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त करना उस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य आपका था और वह जो है आपका मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। साथ ही जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके द्वारा मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है उसको जो है आपका टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में जो है एक रिकॉर्ड जो है यहां पर बैतूल जिले के द्वारा बनाया गया। तो इसलिए बैतूल का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और किस क्षेत्र में? तो टीबी मुक्त इसको घोषित किया गया, इस क्षेत्र में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 4 अप्रैल को 23वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया गया? राइट आंसर बनता है डॉक्टर केशव राव सदाशिव मूसल गावरकर को यह जो है अवार्ड आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेपकास्ट के साथ किस विश्वविद्यालय ने शोध कार्यों के लिए एक MOU आपका साइन किया है? राइट आंसर बनता है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय के साथ जो है एक MOU आपका यहां पर साइन किया गया। अगला क्वेश्चन,
है 5 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान आपका शुरू किया गया? राइट आंसर बनता है मैं कोरोना वॉलंटियर हूं अभियान मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल से जो है आपका शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा अपना हॉस्पिटल का लोकार्पण है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आपका किया गया? राइट आंसर बनता है छतरपुर जिले में जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में प्रदेश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन आपका कौन सा बना है? राइट आंसर बनता है पश्चिमी मध्य रेलवे या जोन जो है जोन जिसका मुख्यालय आपका जबलपुर में है, देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन आपका बन गया है। चूंकि इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में है इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाने की संभावना है? छतरपुर जिले के बक्सवाहा में और बक्सवाहा के जो जंगल है आपके कई बार समाचार में रहे हुए न्यूज में बने हुए थे, क्योंकि ऐसा जो है वहाँ के वैज्ञानिक जो है उन्होंने ऐसा शोध किया है और उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया है कि जो बक्सवाहा के जंगल है उसके नीचे जो है भारी मात्रा में आपके जो है हीरे पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो प्रशासन है या जो है आपके खनन के लिए उत्खनन के लिए भी वहाँ पर गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध वहाँ पर किया था जिसके कारण बक्सवाहा के जंगल जो है आपके न्यूज़ में रहे थे। इसलिए सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि बक्सवाहा के जंगल जो कि हाल ही में आपके समाचार में थे किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है? राइट आंसर बनता है सागर जिला पंचायत और बैतूल जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा हाल ही में भारत सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर किन दो पंचायतों को दिया जाएगा? तो रतलाम जिले की जोरा जनपद पंचायत को और सीहोर जनपद पंचायत को आपके ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने पुरस्कार आपके दिए गए? तो 11 पुरस्कार जो है उनको यहां पर आपके दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वह है कि 5 अप्रैल से भोपाल संभाग में कौन सा अभियान आपका चलाया गया था? तो जल संचय अभियान जो है भोपाल के 920 स्थानों पर आपका चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती आपकी कब मनाई जाती है? तो 4 अप्रैल को प्रतिवर्ष माखनलाल चतुर्वेदी जी की आपकी जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाबई। और बाबई कहाँ आता है? तो यह होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका को मध्य प्रदेश के कितने नगरीय निकायों में भी लागू कर दिया गया है? तो राइट आंसर बनता है 29 में और कुल नगरीय निकाय कितने आपके 378 है। इसी के साथ अप्रैल माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। मई माह यानी कि मई मंथ का जो 2021 का हमारा करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और आप सभी को पता है कि अभी जो है 2 से 3 दिनों तक आपका मध्य प्रदेश का जो रेगुलर करंट अफेयर्स आता था सुबह 7 बजे, इसी की वजह से नहीं आया था, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में इसको ढूंढने में जो है आपका बहुत टाइम लगा था। देखिए ये जो कंटेंट हमने बनाया है इसके लिए हमने 3 से 4 जगहों का जो है यूज़ किया है, जिसमें कि आपका जनसंपर्क विभाग जो मध्य प्रदेश की जनसंपर्क विभाग की साइट है उसका यूज़ यहाँ पर किया गया। जनसंपर्क विभाग की साइट पर ही आपका जो घटनाक्रम है वह डला था, जो कि आपका जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक का जो है पूरा घटनाक्रम था। उसमें से इम्पोर्टेंट करेंट है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बन सकता है उसको जो है हम छाट के यहाँ पर लाए थे। साथ ही 2 से 3 अलग सोर्सेस भी जो है हमारे द्वारा यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है आपको कंटेंट है यहाँ पर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आने वाले मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में जो भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आपका बनता है वह जो है इस अकेले वीडियो के माध्यम से आपका कवर हो जाए। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जो है आप यहाँ पर लाइक करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन आपका शुरू किया गया? राइट आंसर बनता है भोपाल जिले में जो है आपका इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधायक ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर का कोरोना से निधन हो गया है। क्वेश्चन है कि इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो प्रतिपुर जिला निवाड़ी से जो है यह आपके संबंधित थे, यहाँ से जो है यह आपके बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि शहर में शुभांकन नाम से पहला सामाजिक कंट्रोल रूम जो है आपका शुरू किया गया, तो राइट आंसर बनता है इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आध्यात्मिक विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर बनता है पंकज राग को जो है इसका अपर सचिव आपका नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के निःशुल्क स्वस्थ आहार सेवा योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? तो यह जो शुरुआत है आपके भोपाल जिले में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभु जोशी जी का कोरोना से निधन हो गया है, तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से जो है यह आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मई से मेरा गाँव कोरोना मुक्त जो अभियान है आपका चलाया गया, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के खुड़ेल और सावेर गाँव में जब कोरोना का टाइम पीरियड आपका चल रहा था उस समय जो है मेरा गाँव कोरोना मुक्त अभियान जो है इस प्रकार की पहल मध्य प्रदेश के इंदौर के खुड़ेल और सावेर से आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा माता पिता का निधन कोरोना के कारण या अस्पताल में भर्ती होने पर उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, तो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा इस प्रकार का आपका निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस छात्रा को आइकोनिक इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से आपका इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है आपका श्वेता नेमा, इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना आपकी शुरू इस योजना की शुरुआत आपकी की गई थी, तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, 7 मई को किस विभाग द्वारा वेद आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया, तो जो मध्य प्रदेश का आयुष विभाग है उसके द्वारा इसका शुभारंभ आपका किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर्स बैंक मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया गया, तो उज्जैन में भी कहाँ पर, तो एक गाँव है जिसका नाम है पलवा, वहाँ पर जो है देश का पहला ग्रामीण ऑक्सीजन सिलेंडर्स बैंक जो है आपका स्थापित किया गया, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है या इसको वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी का निधन हो गया है, क्वेश्चन है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र से है, तो रेगांव जिला सतना से जो है यह आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला PPP कोविड केयर सेंटर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोविड केयर सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया, तो राइट आंसर बनता है भोपाल में जो है आपका बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मैं एक डॉक्टर मैं एक वॉलंटियर नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार का एक ऐप आपका लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा मुख्यमंत्री COVID-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई, राइट आंसर बनता है 30 मई 2021 को इसकी आपकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस शहर को प्रथम स्थान और दूसरा स्थान मिला है, तो प्रथम स्थान की बात करें भोपाल जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है और इंदौर जो है इसमें आपका दूसरा स्थान पर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग थी और इसमें चूंकि भोपाल प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, दोनों हमारे मध्य प्रदेश के शहर है, तो यह क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम और दूसरा स्थान मिला है, तो राइट आंसर बनता है भोपाल को प्रथम और इंदौर का आपका दूसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत शहर की श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना है, राइट आंसर बनता है ग्वालियर। देखिए उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इसको जो है आपका शामिल किया जा सकेगा, ऐसी संभावना बन रही थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर आपको अपडेट कर देते हैं कि इसको जो है आपका शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए यह जो है क्वेश्चन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसकी संभावना उस टाइम पर चल रही थी, तो इसको जो है यहां पर हमने ऐड कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कितने वर्ष के लिए पोषण नीति लागू करेगी, तो राइट आंसर आपका बनता है 10 साल के लिए यह जो पोषण नीति है आपकी लागू करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटरिया का निधन हो गया है, इनका संबंध किस जिले से है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजकुमार केसवानी का कोरोना के कारण निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जो है आपके पत्रकार थे, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो भोपाल गैस कांड हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में,
उसके संबंध में जो है इन्होंने पहले ही अपने पत्र, अपना जो समाचार पत्र था उसमें कई बार उसके पहले जो है इन्होंने लेख भी लिख चुके थे, लेकिन जो आपका शासन था उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया और एक जो है आपके यहाँ पर भयंकर गैस त्रासदी जो है भोपाल में आपकी हो गई थी। तो इनका संबंध जो है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित इन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे थे, तो इसलिए जो है इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के पोरसा मुक्ति धाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए आपको चुना गया? तो जो पोरसा मुक्ति धाम है यह आपका मुरैना जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला म्यूक्रोमाइकोसिस ब्लेड फंगस यूनिट है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश में किया गया है, चूंकि देश का पहला है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर, कोविड सेंटर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में आपका बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है जिसका नाम है संबल योजना, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की है कि इसके अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो है आपका शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 4 जिलों दतिया, मुरैना, सागर और देवास खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए कितने लाख रुपए की स्वीकृति दी है? तो इन जिलों का आपके 40 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे और इसके तहत दतिया में रोइंग का जो मैदान है, ग्राउंड है, आपका बनेगा, मुरैना में एथलेटिक्स का बनेगा, हॉकी का जो है आपका सागर में बनेगा और बैडमिंटन का जो है आपका देवास में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली केनो और प्राची यादव का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से ये आपके बिलोंग करती है और ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली केनोअर है, इनका नाम है आपका प्राची यादव। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की केनोअर ने, जिसका नाम प्राची यादव था, यह जो है ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली आपकी जो है महिला, यहाँ पर महिला खिलाड़ी बनी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ओलंपिक में कोटा पाने वाली मध्य प्रदेश की पहली केनोअर या देश की पहली केनोअर कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी प्राची यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में आपका शामिल किया गया है? अगर आप जो मेरा मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है अगर उसको देखते होंगे तो उसमें इन दोनों के बारे में मैं जो है बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बेड़ाघाट में स्थित लमेरा घाट जो कि आपका जबलपुर में स्थित है, इन दोनों को यूनेस्को की जो संभावित सूची है उसमें आपका शामिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना काल में वरिष्ठ लोगों की सहायता के लिए एल्डर लाइन कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की है? तो इस प्रकार की जो सुविधा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपकी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश की दूसरी डीआरडीए यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की लेयर 4 लैब मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी? तो यह जो है आपके ग्वालियर में बनेगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी आपका घोषित कब किया गया? 21 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को आपका महामारी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में आपका शामिल किया गया? यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बेड़ाघाट लमेरा घाट को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में किल कोरोना 4 अभियान कब से कब तक आपका चलाया गया था? 25 मई से 31 मई तक मध्य प्रदेश में यह अभियान आपका चला था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 14 चीते लाए जाने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है? तो कोनो पालमपुर नेशनल पार्क में जो है आपके यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से 14 चीते लाए जाएंगे। कोनो पालमपुर नेशनल पार्क शोपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश का जो है आपका 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेवल चैनल ट्रेवल एक्सपो ने मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को एक ट्रेवल शो द जिप्सीज के माध्यम से कब से प्रसारण करने का निर्णय लिया है? तो 28 मई 2021 से जो है इस पर जो है यहाँ पर प्रसारण आपका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का पहला लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है आरआरकेट राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इस संस्थान के नए निदेशक आपके किसे बनाया गया है? तो एसवी नाखे को जो है इसके नए निदेशक आपके बनाया गया है। एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है, जिसे आरआरकेट राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के नाम से आपका इसको जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में नेगेटिव वातावरण में संगीत के माध्यम से लोगों में खुशियों का संचार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो म्यूजिक प्लीज अभियान जो है आपका भोपाल में, भोपाल से जो है इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि RGPV के हाल ही में कुलपति किसे नियुक्त किया है? प्रोफेसर सुनील कुमार को इसका जो है आपका कुलपति नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हमाऊ घर हमारी जिम्मेदारी अभियान आपका शुरू किया गया? राइट आंसर बनता है छतरपुर जिले से जो है इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गेहूं खरीदे में पहले स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर आपका बनता है होशंगाबाद जिला जो है मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है जो कि गेहूं खरीदी के मामले में आपका पहले स्थान पर रहा है। चलिए आप जो है यहाँ पर जून माह का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि देश में मध्य प्रदेश स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर रहा है? तो हमारा मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश भर में आपका प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, देश के कौन से राज्य ने बिल्डिंग परमिशन घरों स्कूल कॉलेज आदि का निर्माण करने पर एक नया पौधा लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश ने। वहीं अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार का विषय क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 5 जून को आपका मनाया जाता है और इस पर जो है आपकी थीम क्या था? रिजनरेटिव टूरिज्म जो है आपकी इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधायक लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस जिले से था? तो सिरोंज जो कि आपका विदिशा जिले के अंतर्गत आता है वहाँ से जो है यह आपके विधायक थे और हाल ही में इनका जो है आपका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन पर आधारित केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर बनता है RRKT राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो है देश का पहला इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन पर आधारित केंद्र जो है आपका स्थापित किया जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है क्योंकि यह जो है देश का पहला है। RRKT कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है और SV नाखे को इसका हाल ही में आपका नया महानिदेशक बनाया गया है, नया डायरेक्टर इनको बनाया गया है हाल ही में आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा 5 जून को जो है अंकुर अभियान का शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया था। इस अभियान की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत पौधारोपण कर जो आप पौधारोपण किया उसका जो है आपको एक फोटो खींचनी थी, उसको वायुदूत ऐप पर जो है आपको अपलोड करना था। उसके बाद जो है आपको प्राणवायु अवार्ड से जो है आपका सम्मानित भी किया गया जिन्होंने इसमें आपका भाग लिया और जो आपके सम्मानित हुए महिलाओं को जो है आपका वृक्ष वीरांगना कहा गया था। वहीं जो आपके पुरुष थे उनको वृक्षवीर के नाम से यह अवार्ड या जो सम्मान है आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले आओ पहले पाओ योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर बनता है यह जो है आपके उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस शहर को गोल्डन ट्रायंगल बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर बनता है ग्वालियर शहर को जो है आपका गोल्डन ट्रायंगल बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, देश में एनीमिया मुक्त भारत के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो इसके योजना के क्रियान्वयन में हमारा जो मध्य प्रदेश है पूरे देश भर में आपका प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस अकादमी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दारा शिको भारतीय साझा संस्कृति के वाहक विषय पर ऑनलाइन वेबिनार किया? तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के द्वारा इसका आयोजन आपका किया गया। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की बात करें 1976 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। यह आपके कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, इसके चांसेस जो है आपके 100% है। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो देखिए MPPSC प्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी Unit 10 है कहीं ना वह जो है आपके आयोगों से संबंधित है और आयोगों में जो आपके अध्यक्ष होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपके पूछे जाते हैं और इनके पूछे जाने की संभावना इसलिए हमारे लिए ज़्यादा बनती है क्योंकि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है और इनको जो है इस आयोग का आपका अध्यक्ष
अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसलिए यह जो क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया। राइट आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले से आपके बिलोंग करते हैं? उस जिले का नाम है आपका संस्कारधानी। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी, मध्य प्रदेश की संगमरमर की नगरी के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसका नाम है आपका जबलपुर, वहां से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर के बच्चों ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत मोटू पतलू चरित्र का अभिनय कर लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आपका प्रेरित किया है? तो राइट आंसर बनता है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की अनीता शर्मा का काव्य संकलन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका सम्मिलित तो हुआ है? तो राइट आंसर बनता है इंदौर में जो है आपका सम्मिलित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20 में जो है कौन सी कैटेगरी में आया है? तो यह आपका 6वीं कैटेगरी में जो है यह आपका आया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर की डॉक्टर मेधा बुधवानी को वुमन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए आपका नामित किया गया? राइट आंसर बनता है मंदसौर की। जो आपकी मेधा बुधवानी है, इनको वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए आपका नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का कौन सा जोन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन करने वाला देश का पहला जोन आपका बन गया है? इसका नाम है WCR पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यह जो है जबलपुर में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय QS IGES रेटिंग एजेंसी ने डायमंड रेटिंग आपकी प्रदान की है? तो राइट आंसर बनता है जागरण लोक सिटी यूनिवर्सिटी को जो है आपकी डायमंड रेटिंग प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम फिश एक्वेरियम आपको बनाया जाएगा? तो यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो राइट आंसर बनता है इसकी जो राशि है आपने आपकी बढ़ाकर 2 गुनी कर दी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसको 2 गुनी यानी कि 2 लाख रुपए आपका यहाँ पर कर दिया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की है कि जो आपका कालिदास सम्मान है और जो आपका तानसेन सम्मान है, जिसके वर्तमान में राशि आपकी 2 लाख रुपए है, इसको बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। और इस प्रकार की घोषणा है हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आपके कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा जो यहाँ पर जून माह का करंट अफेयर्स था वह भी कंप्लीट होता है। अब जो है हम जुलाई माह का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे।